कोरोना काल में इन दिनों सोशल मीडिया पर आम लोगों की ओर से तरह तरह के वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं जिनकी भरमार है। अधिकांश लोग शिक्षाप्रद और कोरोना से बचने की सलाह देते हुए वीडियोस अपने रिलीज कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हास्य से सराबोर वीडियोस भी शेयर कर निराशा के इस माहौल में सकारात्मक भाग जगाने की कोशिश कर रही है। एक महिला का ऐसा ही हास्य वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये महिला बहुत ही सटीक और चुटीले अंदाज में कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों पर व्यंग कर लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। वही वापस कर दे मेरे मालिक, मारी तो नारा टूटे। जिस स्पीड से औरतें छोले भटूरे के एक जलेबी बना रही है, कोई उन्हें समझाए कि देश से कोरोना खत्म करना है। सूजी और मैदा नहीं, देखो सा इन साल रात हैंग राशिफल गड़बड़ा गई है। कोई ज्योतिषारी तो पल ही खुल गई है, जिका क्या होता सुखद लंबी यात्रा के योग बता रहे हैं। वो अस्पताल में टांगे ऊंची करके पड़े हैं, और जिनके हाथों में हल्दी लगने का योग बता रहे थे उनके हाथ अब साबुन और सैनिटाइजर लग रहे हैं। और जो ख्वाब देख रहे थे फलाने की शादी में नाचेंगे, वो सब अपने घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय पुरुष घर पर अकेला बैठकर दो दो वायरस से अकेला लड़ रहा था, एक कोरोना और दूसरा सुनो ना। इस वर्ष की युवा पत्रिका ऐसी होगी, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रिय वर्ष केवल तुम्हें दिखाने को। हे मानव के राज हंस, तुम आ मत जाना खाने को। स्टे होम स्टे सेफ, पेड़ तो घर में बैठे बैठे खाने से भी बढ़ रहा है। मतलब यही कि इसमें बाहर के समोसे जलेबी कचौरी अन्य चीजों का कोई दोष नहीं है। देखो सा अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे थे, फिर एक दिन किसी मूर्ख ने चमगादड़ खा लिया। देखो सा कुछ लुगाया तो मास्क इन वास्ते पहन घूम रही है कि वो लिपस्टिक खत्म हो गई है। 10 का गुटका 35 रुपए में खरीदने वाले बंदे, लॉकडाउन के बाद जब पेट्रोल के 35 पैसे बढ़ेंगे तब सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री बनकर धूम मचाएंगे। लड़कियों के लिए क्रीम काजल शैम्पू और मेकअप का ऐड आता है, और लड़कों के लिए खाज खुजली मच्छर और लोशन। कितना भी पढ़ और लिख लो, लेकिन ऑफिस के दरवाजे पर पुश या पुल पढ़कर 2 सेकंड तो सोचना ही पड़ता है, खींचना है या धकेलना है। कुछ दिनों बाद ये ऐसी खबरें मिलेगी, लूडो खेलते खेलते हुआ प्यार, लॉकडाउन खुलने के बाद होगी शादी, हलवाई की दुकान सरकार खुलन कौन दे रही, और जब तक खुलेगी तो पूरा देश हलवाई बन चुका होगा। यमराज की दर्द भरी अपील, हे मानव मेहरबानी करके तुम अपने घर पर रहो। पिछले 3 महीनों से मैं अपने घर नहीं गया हूँ, अब तो मेरा भैंसा भी थक चुका है। देश विदेश में घूम घूम कर हम दोनों बहुत कमजोर हो गए। लंबी बहस के बाद दो युवकों ने मारपीट नहीं की, लड़ाई की आस लगाए, भीड़ ने दोनों युवक को पीटा। कितनी अजीब बात है, बारिश आने पर क्रिकेट के मैदानों को पूरी तरह ढक लिया जाता है, पूरी व्यवस्था है देखो, लेकिन जो अनाज पड़ा है उसको ढकने की व्यवस्था किसी के पास नहीं है। कितना अनाज खराब हो रहा है आपको अंदाजा है? चाहे सारा जग रुट जाए मुझे परवाह नहीं, बस एक मेरी माँ का जवाई नहीं रुटना चाहिए। कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। ना बुक पढ़ी जा रही है और ना ही मूवी देखी जा रही है, और ना ही किसी को रिप्लाई का मूड, ना किसी से फोन पर बातचीत। पूरा दिन कुछ ना करो फिर भी कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, ये क्या हो रहा है? कोरोना का घरेलू टेस्ट, रोज सुबह शाम पति पत्नी जोर जोर से अपने घर पे लड़े, उसके बाद आपकी सांस अगर ठीक से चलती रहे तो आप कोरोना मुक्त हो। देखो सा इस लॉकडाउन में ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया में आलू से ज्यादा वफादार कोई सब्जी नहीं। इस कठिन दौर में सरकार की हर बात माने, याद रखिए आपकी अकड़ आपको आंकड़ों में बदल सकती है।